उसने किया है आप स्मरण करो अच्छे से। जब इनको स्मरण हुआ कि जो मैंने जो गोबर खाया था और जो बैल का जो मूत्र है उसको जो पान किया था, तो मैंने खड़े होकर के आचमन कर लिया। तो जो खड़े होकर के आचमन है वो किया तो उससे इनका मुँह झूठा हो गया। फिर उन्होंने दोबारा वहाँ पे बैठकर आचमन किया। यहाँ पे एक शिक्षा और है कि खड़े होकर कभी भी हमें आचमन नहीं करना चाहिए, करना ना करना एक समान हो जाता है। जब इन्होंने आचमन वहीं किया बैठ करके, तो जब ये अंदर गए तो उनके जो पौष्य ऋषि के पौष्य राजा की पत्नी थी उनके दर्शन हुए, उन्होंने उनको कुंडल दे दिए। और कुंडल देते समय जो पौष्य राजा की पत्नी थी उन्होंने जो उत्तंक थे उनको बोला कि जो कुंडल है इसके पीछे जो तक्षत नाग है वो बड़े दिनों से पड़ा हुआ है, ये अवश्य ही इसको लेने वो आएगा छल करके। उन्होंने बोला इसको सुरक्षित लेकर के गुरु माता को जाना। उन्होंने बोला ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम करके वहाँ से जब ये निकल गए, जब ये गुरुग्रह वापस आ रहे थे उस समय इनको वन में जब इनको स्नान जब ये स्नान करने जल में नदी में चले गए उस समय इन्होंने कुंडल जमीन पर रख दिए। जब जमीन में रख दिए तो वहाँ पर तक्षक नाग आया। तक्षक नाग ने क्या किया उन कुंडल को लेकर, जब ये भागने लगा तो ये इनका स्नान तो हो चुका था, इन्होंने देख लिया तो तक्षक नाग है ये भी भाग उसके पीछे। तो तक्षक नाग था वो एक गुफा में जाकर जो बिल था उसमें जा कर के प्रवेश कर गया और वो तक्षक नाग नागलोक पहुंच गया। इनके हाथ में डंडी थी, उस डंडे से इन्होंने गड्ढा खोदना चालू कर दिया। परंतु बिल तो बहुत बड़ा है, वो नागलोक का रास्ता जाता है छोटा होकर के भी, अब ये क्या करें। तो इंद्र ने देखा, जो इंद्र हैं उन्होंने देखा कि इनको दिक्कत हो रही है। उन्होंने इंद्रदेव ने क्या किया, जो उनका वज्र था उनको उनका प्रवेश करा दिया डंडी में, जो हाथ में डंडी थी। जब प्रवेश करा दिया तो जैसे उन्होंने खोदना चालू किया तो वो बड़ा विशाल गड्ढा हो गया, उसके अंदर ये प्रवेश कर गए। जब ये प्रवेश कर गए तो नागलोक में जाकर के उन्होंने खूब सारी नागों की स्तुति की, परंतु कोई भी नाग या तक्षक वो सांप जो कुंडल लेके गया था वहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। तो वहाँ पे इनको एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए और उनके बगल में घोड़ा था अश्व, जो उन्होंने जो पुरुष थे उनकी भी स्तुति की। तो इन पुरुष ने बोला कि तुम क्या करो, जो घोड़ा उसके पीछे में फूंक मारो, इससे क्या है जो घोड़े के अंग से जो समस्त अग्नियाँ और जो धुआं निकलेगा उससे नागलोक अवश्य भयभीत होकर यहाँ पे आएंगे। उन्होंने वैसे ही कार्य किया। जब किया तो वहाँ पे धुआं उठने लगा और अग्नि जलने लगी, तो सारे नागलोक भागते भागते बाहर को आए और वो तक्षत भी आ करके बाहर आया। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे कुंडल वापस कर दो गुरु माता के, उन्होंने दे दिया। जब कुंडल वापस कर दिया तो उन्होंने फिर उन पुरुष को प्रणाम किया नागलोक को, वहाँ से गुरुगृह में आए। तो गुरुगृह में आकर के इन्होंने कुंडल माता को दिए गुरु माता को। गुरु माता बड़ी ही प्रसन्न हुई, बोले कि तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ मैं, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो। और जब ये गुरु जी के पास आए तो गुरुदेव को उन्होंने पूरी संपूर्ण बात पूरी बता दी कि मेरे साथ ऐसा कार्य क्यों हुआ। तो गुरुदेव ने बोला कि जो बैल था और जो नाग था और जो घोड़ा था वो कौन था, वो ऐरावत थे, और जो मल मूत्र था गोबर था वो था अमृत, जिसको पान करके तुम नागलोक चले गए। और क्योंकि नागलोक में क्या है बहुत सारा विष होता है, उस कारण से तुम वहाँ पे मरे नहीं जिंदा रहे। जब इनको ये बात पता लग गई तो गुरुजी ने आदेश दिया जाओ तुम घर चले जाओ। परंतु ये घर ना आकर के ये चले गए अज अनमेज क्या नाम था अनमेज्य अनमेज्य जो अनमेज्य जो थे परीक्षित महाराज के पुत्र, ये उनके पास चले गए। अच्छा जनमेजय 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 के पास ही चले गए। जब जनमेजय के पास चले गए तो जा करके इनको क्रोध तो बहुत था, क्योंकि उसने क्या किया था तक्षत ने, इनकी गुरु कारण में इनको विधवा पहुँचाए, विधवा बड़े ही कष्ट प्रदान किया था, तो बड़े ही दुखी क्रोध में था ये। जब ये चले गए तो उन्होंने जाकर के बोला कि जो तुम्हारे पिता को इस तक्षत ने ही दसा था, तुम क्या करो सर्प यज्ञ करो, उस सर्प यज्ञ में इस तक्षक की आहुति दे देना। तो उन्होंने वैसे ही कार्य किया, उसकी आहुति दे दी। मुझे इतने पता था यदि कोई भूल या त्रुटि तो आप लोग मुझे क्षमा कर देना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय वचा पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। इंद्र के साथ स्वागत है।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुवे चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो। श्रील माधव गोसाई महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद प्रभु जी एवं उपस्थित पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरणों में भूरी भूरी दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा की वांछा करते हैं। तत्पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णव एवं वैष्णवों के चरणों में यथा योग दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसा कि हम पिछले सत्र में श्रवण किए थे, श्री सुखदेव गोस्वामी, हे भगवान, आप ये बताइए, ये नरक की यातना इतनी कठिन है, फिर इनसे बचने का उपाय क्या है? व्यक्ति को ऐसा क्या कर्म करना चाहिए जिससे वह इन नरक में ना जाए, नरक से बच सके? तब सुखदेव गोस्वामी महाराज, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हे राजन, हालांकि तुम्हारा प्रश्न अच्छा है और इस प्रश्न की तुमको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षित महाराज को 7 दिन भागवत श्रवण करनी थी और 7 दिन के बाद उनको तक्षक डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, इस तरह से उन्हें श्राप मिला हुआ था। लेकिन उसमें क्या हुआ, 7 दिन उन्हें भागवत सुन लेते और उनका तो उद्धार हो जाता। लेकिन परीक्षित महाराज ने जो इतने सारे प्रश्न किए, इसका कारण है सिर्फ संसार के जीवों का उद्धार कैसे हो। उसके लिए एक समय की बात है, स्कंद पुराण में वर्णन है कि जब परीक्षित महाराज ने 7 दिन भागवत श्रवण की और वह भगवान के लोक को चले गए, तब क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना, कोई अच्छी बात और बुरी बात, दो तरह की बातें होती हैं और दोनों बातें बहुत जल्दी आग की तरह फैलती हैं संसार में, और जो बीच की रहती हैं वो तो यहाँ की दबी रहती हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता। या तो ऊपर वाले बनो, प्रभु जी बोलते हैं ना, या ऊपर वाले या नीचे वाले, बीच में रहने से कोई लाभ नहीं होने का। तो जब सुना कि परीक्षित महाराज 7 दिन भागवत श्रवण करके और भगवान के लोग चले गए, तब ब्रह्मा जी को संशय हुआ। जब ये बात पृथ्वी लोक में तो गूंज ही रही थी, स्वर्ग लोक में लोगों को पता चला, देवताओं को, उनको भी कोई संशय नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी को संशय हो गया। अब कहेंगे ब्रह्मा जी को संशय क्यों हुआ, ब्रह्मा जी को तो भगवान ने स्वयं भागवत सुनाई थी, ब्रह्मा जी तो भागवत जानते थे। तो उसमें बताया कि ब्रह्मा जी को भागवत तो जानते थे, लेकिन भागवत का जो फल है उससे वो अवगत नहीं थे। तो उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को संशय हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपने ब्रह्मलोक में तराजू, जानते ना सब लोग, तुला तराजू बांधा, उसमें उन्होंने एक साइड में तो श्रीमद् भागवतम को रखा एक पल्ले में, और दूसरे पलड़े में उन्होंने कर्म को रखा कि कोई व्यक्ति बहुत सारे कर्म का मतलब दान पुण्य यदि करता है जीवन भर तो उसका क्या गति होगी, कहाँ जाएगा, और इसमें भागवतम का फर्क है। तो कर्म तो बेचारे नीचे टंगे रहे, मतलब कर्म ऊपर उठ गए एकदम, और भागवतम का फल नीचे रहा, पल्ला वो बिल्कुल हिला ही नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा, अच्छा ठीक है, ब्रह्मा जी ने फिर जितना सारा यज्ञ हो सकते हैं, यज्ञ तप जितना भी हो सकते हैं, उन सबका फल इकट्ठा करके और रख दिया एक पलड़े में, एक पलड़े में भागवतम का फल, वो भागवतम का पलड़ा फिर भी नहीं हिला ज्यों का त्यों। ब्रह्मा जी फिर परेशान, उन्होंने फिर जो योग होता है ना, ज्ञान और योग का जितना फल हो सकता है, ब्रह्मा जी ने एक पलड़े में रखा और भागवतम का फल एक पलड़े में, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी का संशय दूर हुआ, हाँ भागवतम में कुछ तो है, तब उनका संशय दूर हुआ। अब परीक्षित महाराज यहाँ पे प्रश्न किए हैं कि प्रभु, इस जगत के जीवों का उद्धार कैसे होगा, नरक से इन्हें कैसे बचाया जा सकता है? तब सुखदेव महाराज, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, यदि किसी व्यक्ति ने कोई पाप कर्म किया है और यदि वो उस पाप कर्म का प्रायश्चित करता है, तब वह उस पाप कर्म से बच सकता है। बोले ठीक है, पाप कर्म से बच गया। फिर परीक्षित महाराज कहते हैं, पाप से तो बच गया लेकिन उसकी फिर पाप करने की इच्छा होगी? बोले हाँ, प्रायश्चित करने से सिर्फ इतना हो सकता है कि उसका जो पाप है वो कट जाएगा। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं, प्रभु ये कुछ ठीक नहीं लगता, कुछ और। तब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजन, इसके बाद उपाय है कि व्यक्ति को ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ज्ञान से व्यक्ति
कि बुद्धि काम करती है और वह गलत कार्यों से बच सकता है और इससे वह पाप कर्म में लिप्त नहीं होगा और नरक में जाने से बच जाएगा। तब परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि प्रभु, उसमें एक श्लोक है स्कंद पुराण में कि तपसा ब्रह्मचर्येण त्यागेण समेन दमेन, और इस तरह से श्लोक है कि तपसा, उन्होंने कहा तप करने से व्यक्ति पाप कर्मों से बच जाएगा, उन्होंने कहा ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति पाप कर्मों से बच जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करने से हमारी बुद्धि कार्य करती है। एक अगर कोई ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन करता है तो उसके शरीर में एक मतलब तेज होता है, उस तेज की वजह से उसकी बुद्धि ठीक कार्य करती है और पापों में लिप्त होने से बच सकता है। लेकिन तपसा के लिए उन्होंने कहा, परीक्षित महाराज ने कहा, सुखदेव महाराज, सुखदेव गोस्वामी, हे भगवान, अगर आप तप की बात कहते हैं तो ये तो बहुत मुश्किल है, कलयुग के जीवों को तप करना तो बहुत मुश्किल है, और यहाँ तक कि करने की बात है तो किया भी है लोगों ने। सौवरी ऋषि का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने 60,000 साल तपस्या की। सौवरी ऋषि को डर था कि यदि हम इस संसार में कहीं तपस्या करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कहीं माया अटैक करे हमको, और तो इसलिए वो पानी के भीतर चले गए। अब पानी के भीतर भी बेचारे माया से नहीं बच पाए। फिर दूसरा उदाहरण देना है कि विश्वामित्र जी ने 10,000 साल तपस्या करी, क्या फल हुआ उसका? मेनका आई, थोड़ी पायल झनकाई और बेचारे चले गए चक्कर में। तो इस तरह से विश्वामित्र भी नहीं बचे। तो उन्होंने कहा तपस्या से भी कुछ नहीं होने का, ब्रह्मचर्य के लिए कहा है। ब्रह्मचर्य का हमारे एक अभी कुछ समय पहले की बात है, हमारे स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचर्य में कितनी पावर है उसमें बता रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो उन्होंने भगवद गीता का सबसे पहले प्रचार स्वामी विवेकानंद ने किया अमेरिका में। तो उनके वाणी में इतना दम था, इतना दम था कि वहां पे लोग कुछ नहीं जानते भगवद गीता के बारे में, उन्होंने वहां पे उसका प्रचार किया। और कह रहे हैं कि समेन दमेन, यार यदि व्यक्ति अंदर की आंतरिक इंद्रियां और बाह्य इंद्रियां जो हैं हमारी उनको नियंत्रण में रखता है तो वह पाप करने से बच जाएगा। फिर कह रहे हैं शौचभ्याम, यदि व्यक्ति पवित्र रहता है तो भी पाप करने से बच जाएगा। तो परीक्षित महाराज ने कहा प्रभु, कलयुग में ये सारी चीजें बहुत मुश्किल हैं, कृपया करके कोई और उपाय बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं राजन, इसके बाद एक ही उपाय बचता है, व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तब परीक्षित महाराज कह रहे हैं प्रभु, भक्ति कैसे होगी? तो कह रहे हैं भक्ति के लिए कोई ज्यादा परिश्रम नहीं करना है, भक्ति बहुत आसान है। अगर भक्ति के हम उदाहरण देखेंगे तो भगवान को प्राप्त करने में जिन भक्तों ने प्राप्त किया है, अम्बरीश महाराज को हम लेते हैं। अम्बरीश महाराज कहीं लिखा है कि वो तपस्या की, उन्होंने यज्ञ किया नहीं किया, पर अम्बरीश महाराज सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन किया करते थे, अर्चन किया करते थे। यहाँ तक कि उनके महल में, वो राजा थे चक्रवर्ती सम्राट, उनके महल में लाखों लाख दास दासियां थे, लेकिन फिर भी भगवान का जो अर्चन होता है ना, वो अम्बरीश महाराज स्वयं अपने हाथों से किया करते थे। क्योंकि नौकर नौकरियां हमारे सारे कार्य संभाल सकती हैं और हो सकता है उनमें त्रुटि कर दें तो कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है। यदि ठाकुर जी की सेवा हम लोग मंदिर में या अपने घर में कोई व्यक्ति नौकरों से कराते हैं तो उसका फल उनको पूरा पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि दास दासियां तो अपनी सैलरी के लिए उसी हिसाब से करेंगे, ज्यादा अच्छे से करेंगे नहीं। तब कह रहे हैं कि भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तब परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, भक्ति किसकी करनी है हमें? हम भक्ति से तो ठीक है प्राप्त कर लेंगे, बहुत सारे देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, और फिर उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे यक्ष गंधर्व हैं, उनकी कुछ लोग पूजा करते हैं, तो हमें किसकी भक्ति करनी है? तब कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, एकांत कृष्ण, एकमात्र कृष्ण की भक्ति करनी है। यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा है, छोटा सा दृष्टांत दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति ना करे, हम तो भाई देवी की भक्ति करेंगे या देवता की भक्ति करेंगे, तो उसमें विचार है कि यदि एक अक्षर का भी इधर से उधर कुछ गलत हो जाता है तो सुर की जगह असुर पैदा हो जाता है। जैसे इंद्र के यज्ञ में हुआ, क्या नाम था उनका, तष्टा ऋषि,
यज्ञ कर रहे थे, एक मंत्र थोड़ा गलत होने से वृत्रासुर जी की उत्पत्ति हो गई, ठीक है, उससे मतलब इंद्र का युद्ध हुआ। बहुत अच्छी कथा है वृत्रासुर जी की, बहुत अच्छे उपदेश है उनके। और छोटी सी गलती अगर कहीं होती है तो असुर उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था कोई लगभग 25-30 साल की उम्र में, जो हमारे शादी होती है साधारणतया, एक व्यक्ति था तो देवी का भक्त था, वो शादी करके लाया तो एक दिन अपने घर में रहा। उसने कहा भैया हम देवी के भक्त हैं तो मंदिर में अपनी पत्नी को लेके जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अपनी पत्नी को लेके मंदिर में गए, देवी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, भवानी भक्षति माम भार्या, इसका अर्थ ये होता है कि भवानी मेरी पत्नी को खाओ। उन्हें बोलना ये था कि भवानी रक्षति मम भार्या, कि मेरी पत्नी की रक्षा करो। बस थोड़ा सा जिवा का डिसमिस होने से वो शब्द रक्षति की जो भक्षति हो गया, वो पत्नी घर आई और मर गई। वो बेचारे बड़े दुखी हुए, बोले लगता है कहीं ना देवी कहीं गलती हो गई, इस चक्कर से मेरी पत्नी को ले लिया। 10-15 साल बाद उन्हें दूसरी शादी कर रही, 35 साल के हो गए लगभग, दूसरी शादी करके ला रहे थे तो बोले अरे पिछली बार हमने क्या किया था, गलती करी थी, पहले घर चले गए थे, इस बार पहले मंदिर में चलते हैं, देवी से वहीं प्रार्थना करेंगे उसके बाद घर जाएंगे। फिर पहुंचे मंदिर में, देवी के मंदिर के सामने पहुंचे, देवी से फिर बोले भवानी भक्षति मम भार्या, वो पत्नी तो बेचारी घर भी नहीं पहुंच पाई, रास्ते में मर गई। अब वो कह रहे क्या हुआ भैया, अब तो गड़बड़ है मामला, अब पत्नी ही मर गई। तो अब उन्होंने कहा ठीक है, अब 10-15 साल बाद तीसरी शादी का नंबर आया, तब तक उनकी उम्र 45-50 साल हो गई। अब उसके बाद जब जो पत्नी मिली, 45-50 साल के हम हो गए, हमें पत्नी मिलेगी तो एक्सपीरियंस होल्डर मिलेगी, सबको जानने वाली, तो वो पत्नी को शादी करके ला रहे थे तो सीधे सीधे बोले पिछली बार भी मैंने कुछ गलती की, इसलिए भवानी ने मेरी वो पत्नी भी ले ली, इस बार सीधा मंदिर में जाऊंगा और इस बार मंत्र को इतने अच्छे से बोलूंगा, इतने अच्छे से तेजी से बोलूंगा कि देवी एकदम प्रकट हो जाएगी और मेरी पत्नी की अच्छा अच्छे रक्षा करेगी। वो फिर बोले भवानी भक्षति मम भार्या, भा बोलने वाले थे, वो पत्नी ने तुरंत उनका मुंह बंद कर दिया, हे सुनो तुम हमारी रक्षा की कामना कर रहे हो, फिर हमें मारना चाहते हो, क्योंकि वो जानती थी ना, सबको एक्सपीरियंस था उसको, 45-50 साल संसार में रही है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो ठीक बोल रहा हूँ। बोले नहीं, अगर हमारी लंबी उम्र की कामना करनी है तो आप देवी को बोलो भवानी रक्षति मम भार्या। तो ठीक भवानी रक्षति मम भार्या, तो ये होता है यदि हम देवी की पूजा करते हैं और देवी से हम जो मांगते हैं उसमें एक शब्द का भी इधर का उधर हो जाता है तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है। और हमारे अगर भक्ति मार्ग में देखते हैं तो वो मंत्र मुझे ज्यादा अच्छे से नहीं पता, कुछ लोग बोलते हैं विष्णवे नमः और वैष्णवे नमः, ठीक है, मतलब सही मंत्र शब्द जो है विष्णवे नमः है संस्कृत का, लेकिन कुछ लोग वैष्णवे नमः बोल देते हैं। तो प्रभु जी बताते हैं कई बार कि उसका फल जो विष्णवे का है वही मिलेगा। अगर हमारी त्रुटि भी कहीं हो रही है किसी कारण से हमें पता नहीं है तो फल हमें भक्ति के कारण वही मिलेगा जिसका मूल फल है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को ही उन्होंने करने को कहा। तो परीक्षित महाराज, इसके बाद जब भगवान की भक्ति करनी है, हम इसके बाद कह रहे हैं अगला जब कार्यक्रम शुरू होता है उसमें कि हे राजन, कान्यकुब्ज नामक स्थान पे, जिसे हम कन्नौज बोलते हैं आज की स्थिति में, वहां पर एक ब्राह्मण रहता था, एक वैश्या का पति रहता था, ऐसे लिखा है दासी पति रहता था, दासी का मतलब वैश्या है। तो कहते हैं कि भाई वैश्या का पति कहां से हो गया, वैश्या का तो कोई पति, वैश्या का पति तो धन होता है, वैश्या जिसे जो उसे धन देता है वो उसका पति है, नहीं धन देता उसे कोई मतलब नहीं। तो उसमें लिखा है कि कान्यकुब्ज ग्राम में एक दासी पति रहता था, उसका नाम था अजामिल। वह बहुत ही सुचि मतलब बहुत पवित्र ब्राह्मण था, सारे वेद और शास्त्र जानता था। किसी कारणवश एक बार अपने पिता की आज्ञा से जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया, लकड़ी काटकर वापस आ रहा था तो वहीं जंगल में उसने देखा कि एक शूद्र और एक वैश्या दोनों मतलब एक दूसरे
मतलब उन्होंने शराब पी रखी है, सुरापान किया हुआ, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो उन्होंने जब देखा तो अजामिल का ज्ञान, देखो यहाँ पे ज्ञान की बात बता रहे हैं कि ज्ञान से व्यक्ति अपने को पाप कर्म से बचा सकता है। अजामिल की बुद्धि में तुरंत आया कि यदि मैं इस दृश्य को देखूंगा तो मेरा जो हृदय है ना मलिन हो जाएगा, कुलुषित हो जाएगा, कलुषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। अजामिल ने अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन वो दृश्य उसने एक बार जब देख लिया तो उसके हृदय में बार बार वही चीज उठने लगी। अब यहां पर ज्ञान की महिमा बता रहे कि ज्ञान भी हर चीज को दबा नहीं सकता है। उनका ज्ञान अजामिल का कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा और वही उनके मन में घूमने लगी, चले गए जंगल से। कुछ दिन बाद उन्होंने जैसे तैसे उस वैश्या से विवाह किया। उस वैश्या से विवाह करने के बाद उन्होंने जो उनकी घर में जो उनकी ब्याही पत्नी थी, बहुत अच्छी पत्नी थी ब्राह्मणी, उसको उन्होंने घर से निकाल दिया और उस वैश्या के साथ रहने लगे। अपने माता पिता को भी तरह तरह की उत्पीड़नाएं देके उनके माता पिता भी संसार से चले गए, उस वैश्या के साथ रहने लगे। अब क्या होता है यदि हम, यहाँ पे महिमा बता रहे हैं कि यदि हम किसी विषयी व्यक्ति का विषैले अन्न खाइले मलिन हो मन। अब अजामिल काम धाम तो कुछ करता नहीं था, वो लूट खसोट चोरी डकैती और जैसे भी जुआ वगैरह ये सारे कार्य करता था, इससे वो धन कमाता था और कुछ वो वैश्या धन कमाती थी उससे अपना पेट पालता था। यदि हम वैश्या के द्वारा कमाए हुए धन का खाएंगे तो हमारी बुद्धि कलुषित हो जाएगी और उससे हम भगवान का भजन तो नहीं कर पाएंगे, इस संसार में तरह तरह के पाप कर्म करेंगे। इसके बाद जब सीधा सीधा जीवन व्यतीत हो रहा था अजामिल का, उस समय क्या हुआ, उनके 9 पुत्र हो चुके थे और उनकी आयु 88 मतलब 88 वर्ष हो चुकी थी। 88 वर्ष की उम्र में अजामिल का शरीर भी दुबला मतलब दुर्बल होने लगा और वह एक गांव से दूसरे गांव किसी कार्य से गए हुए थे। उसी समय क्या हुआ, उनके घर में कुछ भक्तों का आगमन हुआ। उनके घर में जब भक्त आए तो उनकी पत्नी साधुओं के प्रति कुछ श्रद्धा रखती थी, थोड़ी सी वैसा थी लेकिन फिर भी साधुओं के प्रति थोड़ी उसकी निष्ठा थी। तो उन्होंने उनको समझाया। और एक चीज और, अजामिल का जो छोटा सा बच्चा था, 9 तो बड़े हो गए थे और 10वां जो पुत्र था वो उसका अभी जन्म हुआ था, कुछ ही दिनों का रहा होगा। जब वो घर में आए तो उनकी पत्नी ने उन साधुओं को समझाया कि हे महात्मा लोग, मेरे पति यदि आ जाएंगे आपको यहाँ देखेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए उनके आने से पहले आप लोग यहाँ से चले जाओ। तब साधुओं ने कहा, अरे नहीं देखेंगे, हम तुम्हारे यहाँ भोजन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं तो भोजन आपको नहीं करा सकती, मैं तो अपवित्र हूँ और मतलब मैंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, सारे पाप कर्म किए हैं, यदि मैं आपको भोजन कराऊंगी तो ठीक नहीं है। तो फिर भी महात्माओं ने कहा, अच्छा ठीक है, तो कुछ देर हमें कीर्तन करने दो अपने घर में। तो उनके घर में कुछ समय कीर्तन किया, उसके बाद कुछ फलेक प्रसाद दिया होगा उन्होंने, और उनके बच्चे पे उनकी दृष्टि पड़ी साधुओं की। तो उनसे पूछा कि बेटी ये तुम्हारा बच्चा है छोटा सा, इसका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, महात्मा जी अभी तो इसका नामकरण हुआ नहीं है, कहीं कुछ पुराण में ऐसा वर्णन है, कुछ पुराण में कोई और तरह से वर्णन है, तो उस तरह कुछ जगह ऐसा लिखा है कि साधुओं ने नामकरण नहीं किया, नामकरण उसका पहले हो चुका था, लेकिन कहीं लिखा है कि साधुओं ने नामकरण किया। तब उन्होंने कहा साधुओं ने कि अच्छा अगर इसका नामकरण नहीं हुआ है तो हम इसका नाम रख सकते हैं? तो उन्होंने, हाँ महात्मा जी बहुत अच्छी बात होगी आप लोगों के नाम रखा जाएगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा इसका नाम नारायण होगा। उन्होंने कहा, ठीक है इसका नाम नारायण। इतना कह के साधु लोग वहां से चले गए। थोड़ी देर में अजामिल जी आए, अजामिल अपने घर में आए तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने बताया कि हमारे घर में ना आज कुछ साधु आए थे तो हमारे बच्चे का वो लोग नाम रख के गए। अजामिल 88 साल का और अपने पुत्र से इतना मोह था उसको, उसने तुरंत बोला, अरे क्या नाम रखा है, क्या नाम रखा है, इस तरह से पूछा। तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने कहा, प्रभु हमारे बच्चे का नाम नारायण रखा है। अजामिल बहुत खुश हुआ, नारायण 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 कह कह के और खुश होकर नाचने लगा। इस तरह से उसके नारायण नारायण कहने से बहुत सारे पाप जितने थे सारे नष्ट होने लगे, नष्ट होने लगे। अब कुछ समय के बाद वो बेड पे मतलब बिस्तर पे आ गया,
शरीर दुर्बल हो गया, बूढ़ा हो गया और बीमार होने लगा। अब वो उठने लायक नहीं रहा। तब वो अपने पुत्र को ही इतना आसक्त था उस पुत्र में कि उसको देख के ही खाता था, उसको देख के ही पीता था और उसके साथ ही उसको खिलाता था सब कुछ। इतना आसक्त था उस बच्चे में। अब जब अंतिम समय आया जामिल का, तब यमदूत आए। यम महाराज ने अपने दूतों को भेजा। तीन दूत आते हैं यम महाराज के, और भगवान के चार दूत आते हैं विशेषता। अगर कहीं तीन आए तो समझ लो खतरनाक है मामला, और चार आए तो ठीक। जब जब तीन आए तो पहले हम लोग पिछले उसमें वर्णन किए थे ना, बड़ी भयानक भयानक काजल के पहाड़ जैसे उनकी आंखें होती हैं बड़ी बड़ी, और उनके मुंह बिल्कुल टेढ़े टेढ़े और दांत बड़े बड़े बाहर निकले हुए। उनके शरीर के रोंगटे होते हैं तांबे के, तांबा होता है ना, तांबे के लोहे, तांबे के तार के समान। जब उनको देखा और अजामिल के प्राण, अजामिल के शरीर से वो दूत प्राण खींचने लगे, जब खींचने लगे तो उसको थोड़ा पीड़ा हुई। उसने जब इतना भयंकर स्वरूप देखा उन दूतों का तो वह कांप गया और चिल्लाया नारायण। इस तरह जब नारायण चिल्लाया, भगवान के चार दूत वहां पर तुरंत उपस्थित हो गए। बोले अरे हमारे प्रभु का नाम याद किया इसने। उनको यमराज के दूतों को तुरंत पकड़ लिया है, भैया रुको। बोले यम के दूत बोले अरे तुम कौन हो? बोले हम जो भी बाद में बात करेंगे, पहले इसको छोड़ो। बोले नहीं, हम धर्मराज के दूत हैं और धर्मराज के आदेश अनुसार हम इसको लेने आए हैं। तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम धर्म की परिभाषा बताओ क्या है। जो भगवान के दूत थे उन्होंने कहा धर्म की परिभाषा बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा कोई व्यक्ति अगर जीवन भर पाप करता है और किस तरह का पुण्य नहीं करता है तो यम महाराज जी कहते हैं उसको मेरे धाम में लेके आओ और मैं उसको नरकों की गति भोग कराऊंगा इस तरह से। और जीवन भर उसने भगवान का नाम लिया नहीं। तो उन्होंने कहा और क्या है? बोले अगर व्यक्ति कोई एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो उसको यम के लोक में नहीं जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोले अंतिम समय में इसने क्या किया? बोले नारायण। बोले लेकिन इसने भगवान के लिए नहीं कहा, अपने पुत्र के लिए कहा। तब उसमें कह रहे कि सांकेत्यम परिहासम स्तोपम हेलन मेवा, कि कोई व्यक्ति, महत्व साधु लोग बताते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे संकेत के अनुसार, मानी हम किसी को बुला रहे हैं और उसको बोले उसका नाम गौर प्रभु है हमारे, ठीक है उनका नाम गौर है, हम इनको बुला रहे हैं भगवान को नहीं बुला रहे हैं, फिर भी हमारा कल्याण ही होगा कल्याण नहीं होगा। परिहासम कोई मजाक करते हुए, हम लोग बाहर जाते हैं मंदिर से बाहर निकलते हैं, ए हरे कृष्णा वाले हरे कृष्णा ऐसे करके लोग बोलते हैं ना, टोट मारते हैं, तो उसमें भी उनका कल्याण ही है, अकल्याण कुछ नहीं होगा। और हेलन में अवहेलना पूर्वक कोई अरे ऐसे चलते बेटा, ये तो हरे कृष्णा वाले ऐसे ही होते हैं, मस्त खाते हैं नाचते हैं, करते धरते कुछ है नहीं, कुछ किया नहीं गया घर में तो सारे धोती पहन ली, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो जैसे भी लोग हमारा उपहास से या कैसे भी नाम लें भगवान का, उनका उसमें कल्याण ही होगा। अगहरम विदु, उनकी जितने भी पाप हो सकते हैं, अशेष अगहरम विदु, जितने भी अनगिनत पाप हो सकते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए। उसके बाद विष्णु दूतों का और यमराज के दूतों का बहुत अच्छा संवाद हुआ। उसमें विष्णु दूत और यम दूतों का संवाद के बाद यहाँ तक कि उसका अजामिल का दूसरा जन्म हुआ। उसके बाद वो भगवान के धाम, भगवान के धाम हरिद्वार में आकर उसने भजन किया और फिर उसको परम गति प्राप्त हुई। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत सारी त्रुटियां रही हैं उसके लिए क्षमा चाहेंगे। वांछा कल्पित रूप कृपा सिंधु व्यविचा पतिता नाम पावन वैष्णव नाम कुछ घर में साधु लोग आए थे, अरे साधु लोगों को उन्होंने कुछ खिलाया, फिर साधु ने पूछा, उन्होंने देखा कि कुछ तो भगवान का नाम किस तरह से लेगा नहीं, साधु तो खा कर कुछ ना कुछ देते हैं। बोला तुम बोलो, मैं बोल नहीं रहा, इसलिए उन्होंने बोले ये तो सर इसका कल्याण कैसे करें, दुष्ट है। तो वो उसका पत्नी गर्भवती थी, सोचा इसका कल्याण कैसे। बोले तुम्हारे घर घर में जो बेटा होगा, जो बेटा होगा उसका नाम नारायण रखें, अभी बेटा का नाम तो बुलाना पड़ेगा, लेकिन नहीं चाहने पर क्या होगा, बारंबार भगवान का नाम लेगा तो उसको उद्धार हो जाएगा। ये बात है ना, कथाकार लोग ऐसे बोलते हैं। एक बार मैं भी जब गुरुदेव ने
मेरे को खड़े किया, मैं भी बोला गुरुदेव ने कहा तुमने कहाँ से सुना, मैं ले लूंगा ले लो। गुरुदेव ने कहा तुमने कहाँ से लिया है, कहाँ से बोला, अरे बोला मेरे खत्म हो गया। बोले तुमने कहाँ से पढ़ा, मैंने कहा मैंने सुना था मैंने कहा मैंने सुना था, सुनता ही बात नहीं बोलनी चाहिए, जो ग्रंथ में नहीं है वो बात को नहीं बोलनी चाहिए। गुरुदेव मेरे को मना कर दिया। बोले उसने जो बेटा का नाम नारायण रखा वो तो हिंदू था ही, वो तो मुसलमान था नहीं जो भगवान का नाम नहीं रखेगा, इसलिए वो तो हिंदू था। तो हिंदू था तो किस तरह से उन्होंने क्या किया, बेटा का नाम उसने नारायण रख लिया। और सबसे छोटा बच्चा पिताजी का सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, इसलिए बेटे को उसने बारम्बार नारायण पानी ले आ, नारायण तुम कहाँ हो, नारायण मेरे गोद में आ, नारायण मेरे लिए भोजन लाए, जो नारायण 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 बोला वो क्या हो गया, ये कौन कह रही है, विष्णुदूत कह रहे हैं। पहले जब उसने क्या बोला नारायण नाम रख दिया था उसको सारे पाप नष्ट हो गया, लेकिन उसने जो बारम्बार नारायण नारायण नाम लिया, जैसे माला जप करते हैं ना, माला जप करते हैं उसको ये हो गया, माला जप हो गया दिन भर नारायण नारायण, लेकिन उसने जब अंतिम समय में जो नारायण नाम उसने लिया है, जब अंतिम समय में जो नारायण नाम लिया है, कहते ये बड़े भाग्य से ये भगवान का नाम उसको बड़े भाग्य से नाम उसकी उच्चारण हुआ, तब उन्होंने है तब उन्होंने उदाहरण दिया जैसे एक एक, तब फिर जमदूत ने बताया है विष्णु, उन्होंने वहाँ पर मतलब विष्णु तो बोल रहे थे जे उसने नारायण का नाम लिया, बोले बेटा वो तो भगवान का नाम कब लिया, वो तो बेटे को बुलाया था है, वो बेटे को बुलाया था, भगवान को थोड़ी बुलाया था, बेटे को बुलाया था है। तब उन्होंने बोले देखो, तब उदाहरण देते हैं जैसे कोई रुई का पहाड़ हो नहीं तो भूस का पहाड़ हो, लेकिन अगर उसमें आग की एक चिंगारी पड़ जाए ना वो पूरा जला कर उसको राख कर देता है, उसको राख कर देता है, लेकिन उसने भगवान के नाम में इतने शक्ति है, इतने शक्ति प्रभु का नाम है, इसलिए उसने जब भगवान का नाम ग्रहण किया है, किसी ना किसी तरह से अगर प्रभु का नाम को ग्रहण करते हैं क्या होता है, उसको जन्म जन्मांतर का उसको सारे पाप नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको बताया भगवान के नाम में कितने महिमा की थी। बोल रही ठीक है, बोल रही सनातन सनातन क्या क्या हो रहा है इधर, इधर अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नितिलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परम्परा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम लोग पिछली बार श्रवण कर रहे थे वेणु गीत के अंतर्गत किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण और बलराम दोनों के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रही थी। पहले श्लोक अक्षुणताम फलम इदम न परम विदाम, इस श्लोक में उन्होंने व्रजेश श्रुतियों इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार करते हुए कृष्ण के प्रति अपनी प्रीति को छिपाने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन कृष्ण प्रेम उनके हृदय में इतना प्रगाढ़ हो गया कि वह उनकी यह चेष्टा विफल हो गई। तो पुनः चेष्टा करती हुई फिर उन्होंने एक श्लोक बोला था जिसके माध्यम से कृष्ण और बलराम का सुंदर वनमाली जो वेश है उस वेश को वर्णन कर रही थी। कृष्ण बलराम किस प्रकार वन में प्रवेश करते वक्त एक पीताम्बरधारी एक नीलाम्बरधारी एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण दोनों सुंदर वेणुनाद कर रहे हैं और गले में वैजंती माला पहनी हुई वन माला पहनी हुई है। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम दोनों का सुंदर स्वरूप वर्णन करी, कृष्ण बलराम की रूप माधुरी का वर्णन करने के बाद में अभी कृष्ण की वेणु के विषय में कुछ कहना चाह रही हैं। तब गोपियां वर्णन करती है कि गोप्या किमाचरद अयम कुशलम स्म वेणु दामोदरा अधर सुधाम अपि गोपिका नाम
भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदन्यो ऋष्य त्वचो अश्रु मुमुचु स्तरो यथार्या। इस श्लोक के अंदर बता रही हैं कि पिछले श्लोक में जैसे हम श्रवण कर रहे थे कि कृष्ण बलराम जब गौचारण के लिए जाते हैं तो उनके साथ में सखा होते हैं और सारी गैयाएं होती हैं, तो गोपियां मानो सखाओं के साथ अपनी तुलना करती हुई कह रही थी कि गोप बालकों का बड़ा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि गोप बालक सब समय कृष्ण के साथ रहते हैं, चाहे घर में हो चाहे वन में हो, सब समय उन्हें कृष्ण का संग प्राप्त होता है, सब समय उन्हें कृष्ण का संग प्राप्त होता है, कृष्ण के साथ खेलते हैं, कृष्ण के साथ विभिन्न क्रीड़ाएं करते हैं, इसीलिए गोप बालकों का सौभाग्य तो है ही। किंतु इस श्लोक में बतला रही हैं गोप बालकों के साथ साथ जो वेणु है, इस वेणु का कितना सौभाग्य है। वृंदावन में इस वेणु ने, वेणु क्या देखने में लगता है? एक बांस का टुकड़ा, निरस है, प्राणहीन है, लेकिन इस वेणु का भी कितना सौभाग्य है। कृष्ण, हम लोग श्रवण करते हैं ना प्रेम की, जो अलग अलग अवस्था है, प्रेम, स्नेह, प्रणय, मान, अनुराग, राग और महाभाव, ऐसे अंतिम अवस्था। तो महाभाव के कारण मानो ब्रज गोपियों को इस वेणु से भी ईर्ष्या होने लगी है, और ईर्ष्यावशतः एक गोपी कहती है कि गोप्य तप किम आचरण, गोप्य किमाचर दयम कुशलम स्म वेणु, कि इस वेणु ने पूर्व पूर्व जन्मों में न जाने कौन सा तप किया, कौन सी तपस्या करी थी, कौन सा इसने पूर्व जन्मों में तीर्थाटन किए थे, कौन से इसने यज्ञ इत्यादि किया था जिसके फल स्वरूप इसे कृष्ण का इतना संग प्राप्त हो रहा है। तब दूसरी गोपी मानो कहती है कि इसके पूर्व जन्म के कोई पुण्य कर्म नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर पुण्य कर्म होते तो इसे इस प्रकार स्थावर कुल में जन्म क्यों मिलता। तब फिर मानो पहली गोपी कह रही है कि पुण्य कर्म तो निश्चित थे ही। क्यों? क्योंकि कृष्ण इससे कितना प्रेम करते हैं, कृष्ण कभी इसे अपने हाथों में धारण करते हैं, कभी अपनी कमर पर धारण करते हैं, कभी इसके इसे चुंबन करते हैं, कभी कृष्ण इसको अधरामृत का पान करवाते हुए इसका सिंचन करते हैं। इसलिए वृंदावन में यदि कोई सौभाग्यवान है तो ये वेणु ही सबसे ज्यादा सौभाग्यवान है, और विधाता ने हमको ये गोपी देह देकर हमें पूरे सौभाग्य से वंचित कर दिया, पूरे सौभाग्य से हमें वंचित कर दिया है। क्योंकि यह वेणु जिस प्रकार कृष्ण का संग प्राप्त करती है, हम वैसा नहीं कर सकती, हम कृष्ण की साक्षात सेवा नहीं कर सकती। सेवा तो दूर की बात, हम कृष्ण का मुक्त रूप से हम कृष्ण का दर्शन भी नहीं कर सकती, इतनी ज्यादा हम दुर्भाग्यनी हैं। इसलिए क्या करो, चलो हम सब चलती हैं पौर्णमासी देवी के पास में। पौर्णमासी देवी क्या है, वो बड़ी तपस्विनी है और वो वर्तमान भूत भविष्य सब जानती है, तो हम उनके पास में जाके और जिज्ञासा करेंगी कि इस वेणु ने ऐसा क्या आचरण किया था, इसके पूर्व जन्मों में क्या इसका ऐसी क्रिया थी जिसके फल स्वरूप इसे कृष्ण का इतना संग प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार पूर्व जन्मों के उसके कर्मों को हम पूछ के और हम भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करेंगी। इस प्रकार गोपियां वेणु की महिमा गा रहे कि पूर्व पूर्व जन्मों में उसने क्या आचरण किया, और उसके बाद में बतलाती है कि इसका सौभाग्य तो है ही, लेकिन सौभाग्य होने के बाद में भी ये इतनी अत्यंत दुर्विनीत है कि गोपियों, क्योंकि अगली लाइन में बता रहे हैं दामोदर अधर सुधामपि गोपिका नाम, कि कृष्ण का एक नाम है दामोदर। जब मैया यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांध दिया था, पूरी लीला विस्तृत रूप में आप लोग जानते हैं किस प्रकार मैया एक बार कृष्ण ने कभी माखन चोरी करने की चेष्टा करी, मटकी फोड़ी तो मैया ने क्रोधित होकर शासन किया और कृष्ण को ओखल से बांध दिया। तो ओखल से बांधने के पश्चात कृष्ण का नाम पड़ गया दामोदर। तो जब मैया ने कृष्ण को ओखल से बांधा था उसी समय पे उनका नाम दामोदर है, और उस समय से ही कृष्ण और गोपियों की प्रीति है, उस समय से ही कृष्ण और गोपियों की प्रीति भी है। लेकिन उस समय पे वेणु का कोई जिक्र नहीं था, तब वेणु को कोई जानता भी नहीं था, वेणु का कोई गंध मात्र भी नहीं था, वेणु का नाम ही नहीं था। लेकिन कृष्ण ने जब से गौचारण करना आरंभ किया उस समय से ही ये वेणु के साथ में संबंध हुआ है, और इतने किंचित मात्र संबंध से ही, इतने कम समय के संबंध से ही इतना बड़ा उसको पदवी प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि दामोदर अधर सुधामपि गोपिका नाम, इस कृष्ण के अधरामृत पे कृष्ण गोप है और ब्रज गोपियां ये गोपी हैं, तो इसलिए कृष्ण के अधरामृत का पूर्ण रूप में यदि कोई उत्तराधिकारी है तो ये ब्रज गोपियां हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये वेणु उस सारी अधर सुधा का अकेले स्वच्छंद रूप में
पान कर रही है, इसलिए सौभाग्यवान तो है लेकिन क्या है, दुर्विनीत भी है, इसका आचरण ठीक नहीं है। क्यों? ये इतनी निर्लज्ज है और इतना धृष्ट है, गोपियां कह रही है ये इतनी निर्लज्ज है, इतनी ढीठ है कि हमारे जन्मसिद्ध अधिकार को हमारे सामने ही छीन रही है, ऐसी इस प्रकार गोपियों के भाव हैं। तब यहाँ पर जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि महाभाव के कारण गोपियों में ईर्ष्या और दीनता पूर्वक ये सारी बातें गोपियां कह रही है, इसलिए कह रहे हैं भुंगते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदयन्यो, कह रहे हैं भुंगते स्वयं अर्थात ये वेणुनाद करते समय कृष्ण के अधर द्वय का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के बिंब फल के समान कृष्ण के लाल लाल अरुण वर्ण के कृष्ण के अधर द्वय हैं, और कृष्ण अपने अधरामृत को इस वेणु के अंदर जब फूंकते हैं, ये वेणु उस अधरामृत का पान करते करते मानो कृष्ण का पूरा रस स्वयं भुंगते स्वयं भोग करती करती और क्या करती है, कृष्ण के अरुण इन अधर को पूरा पीला कर दिया इसने, अर्थात खुद जैसी निरस है जड़ है, उसी प्रकार कृष्ण के सरस अधर को भी इसने निरस करके छोड़ा है। इस प्रकार गोपियां बड़ी ईर्षान्वित होकर इस वेणु के बारे में कह रही है, और तो और इतनी निर्लज भी है। निर्लज क्यों है? क्योंकि जब मधुर वेणुनाद करती है तो वेणुनाद के शब्द से हमें पुकार पुकार कर मानो बुला रही है, और बुलाकर कहती है देखो तुम्हारी संपत्ति मैं चोरी कर रही हूं, और मैं तुम्हारी संपत्ति चोरी कर रहा हूं और चोरी कर, यदि तुम्हारा सामर्थ्य है तो कुछ कर लो। इस प्रकार क्योंकि वेणुनाद सुन के क्या होता है, गोपियां सब आकर्षित हो जाती हैं, गोपियां सब आती हैं और आकर देखती हैं कि कृष्ण अपनी अधरामृत को उस वेणु को पान करवा रहे हैं, तब मानो ये वेणु भी घोषणा कर रही है कि यदि तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी संपत्ति की मैं चोरी कर रहा हूं। आगे बतलाते हुए कह रही हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अवशिष्ट रसम ये जो शब्द व्यवहार किया है इसके अलग अलग अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। अवशिष्ट रसम का कह रहे हैं कि उस अवशिष्ट अर्थात कुछ भी रहा नहीं, उसने कृष्ण के इन सरस अधरद्वय से जो रस पान किया है उसके बाद में हमारे लिए कुछ भी छोड़ा नहीं। इस प्रकार गोपियों की व्याख्या है कि हम यदि कुछ रह गया तो उसको मान लो ब्रज गोपियां पान कर सकती थी, लेकिन इस वेणु ने पूर्ण रूप में अवशिष्ट रसम अर्थात सारा रस पान कर लिया है, और कृष्ण के सुंदर होठ किस प्रकार काले पड़ गए, किस प्रकार पीले पड़ गए, इस प्रकार गोपियां कह रही हैं। एक और अर्थ कह रही है कि रस शब्द जो यहाँ व्यवहार हुआ है तो रस का अर्थ यहाँ पर राग से है, राग अर्थात प्रेम से है, तो अवशिष्ट रसम अर्थात कितना भी रस ये वेणु क्यों पान क्यों ना कर ले, लेकिन ये पान करने की जो लालसा है, ये उत्कंठा है, ये कभी कम नहीं होती, इसलिए अवशिष्ट रसम। और एक अर्थ कह रही हैं अवशिष्ट रसम अर्थात ब्रज गोपियां क्या करती है, समस्त रस अर्थात दुनिया की सारे रसों को परित्याग करके एकमात्र कृष्ण रस को पान करती हैं, कृष्ण की रूप माधुरी का, कृष्ण की वेणु माधुरी का। तो कृष्ण के इस कृष्ण रस को पान करने के बाद में जो रस रह गया, अवशिष्ट रसम जो रस रहा है, उस रस को वेणु पान करती है। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अलग अलग अर्थ करते हैं अवशिष्ट रसम के। फिर बाद में कह रहे हैं कि यद अवशिष्ट रसम हृदयन्यो ऋष्वत्वचो, अर्थात जब इस वेणुनाद जैसे होता है ना, यदि कुल में कोई सौभाग्यवान व्यक्ति, यदि कुल में कोई बड़ी पोस्ट में हो जाए, कोई किसी को बड़ा पदवी प्राप्त हो जाए, तो उस समय पर जो सारे वृद्ध लोग हैं वे बड़े आनंदित होते हैं, आनंदित होके और क्या करते हैं, अश्रुपात करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारे वृक्षों के अंदर पुष्प से वो सुसज्जित हो गए हैं। गोपियां कह रही है कि वेणु क्या है, पुरुष है, और पुरुष होने पर भी ये क्या कर रहा है, कृष्ण अधरामृत को बड़ी ढीठाई से पान कर रहा है, मतलब गोपियों को अंगूठा दिखा दिखा कर मानो ये वेणु सारे रस को पान कर रहा है, और ऐसा सौभाग्य देखकर सारे वृक्ष बड़े आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि वेणु किससे बना है, बांस से बना है, बांस वृक्ष है ना, तो वृक्ष जाती है मान लो जैसे सारे वृक्ष बड़े आनंदित हो रहे हैं, और अपना आनंद किस प्रकार दिखा रहे हैं, उनमें सुंदर फूल प्रस्फुटित हो गए हैं, सारे फूल से सुसज्जित हो गए हैं, और सुंदर मंद मंद उनके बड़े मधु झरने लगा है, वृक्षों से मधु झरने लगा है, इस प्रकार इतने आनंदित हो गए हैं जिस प्रकार कोई वृद्ध
वृद्ध जो लोग होते हैं घर में किसी व्यक्ति के सौभाग्य को देखकर आनंदित होते हैं, अपने वंश में किसी सद्भाग्य को देखकर आनंदित होते हैं, उसी प्रकार ये वृक्ष भी वेणु के इस सौभाग्य को देखकर आनंदित हो रहे हैं। बाद में कह रहे हैं रिदन्यो, अर्थात जो सारे सरोवर हैं, मानसी गंगा, कुसुम सरोवर और श्री यमुना, इन ये सारे भी बड़े आनंदित हो रहे हैं। क्यों ये सारे आनंदित हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि पानी से ही तो वृक्षों का सिंचन होता है, पानी से सिंचन होता है। तो मानो इन सरोवरों का पानी नहीं, ये पानी क्या है? दूध है। और इस दूध का पान करके और ये वृक्ष फलीभूत हो रहे हैं, और इस मानो इस वेणु ने हमारे ही दूध का पान करके और इस योग्य हुआ है कि आज ये कृष्ण अधर सुधा का पान करने कर पा रहा है। इसलिए सारे सरोवर भी बड़े आनंदित हो रहे हैं। आनंदित होकर क्या हो रहा है? उनके अंदर कमल फूल प्रस्फुटित हो गए हैं, कमल फूल प्रस्फुटित हो गए हैं, अलग अलग प्रकार की वो लहरें उठ रही हैं, उनके अंदर लहरें उठ रही हैं। कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं मानो वे नृत्य कर रहे हैं, ऐसे लहरें उठा उठाकर बड़े आनंदित होकर नृत्य कर रहे हैं। और उनके अंदर जो कमल खिल रहे हैं, कमल खिल खिल कर मानो दिखा रहे हैं हम कितने प्रसन्न हैं। इस प्रकार सारे सरोवर भी बड़े आनंदित हो रहे हैं। इसलिए गोपियां कह रही है कि अगला जीवन इन वृक्षों ने और इन सरोवरों ने जैसा वेणु के सौभाग्य को देखकर आनंदित हो रहे हैं, वैसा आनंद वैसे इस सौभाग्य से हम वंचित हो रही हैं। हम इतनी दुर्भाग्यनीय हैं कि हम यहाँ घर में बैठे बैठे ना ही हम कृष्ण की दर्शन कर सकते हैं मुक्त रूप से, ना हम कृष्ण की कोई सेवा कर सकते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी श्री आनंद वृंदावन चंपू में कहती हैं कि अगले जीवन में मैं तो वेणु बन के आऊंगी, ये गोपी देह से मैं जन्म ही नहीं लेना चाहती। क्यों? क्योंकि इस गोपी देह के कारण ही कितने सारी बाधाएं हैं, कितनी सारी आपत्ति है कृष्ण मिलन में। अगले जीवन में मैं जड़ बन के आऊंगी। अभी वहां प्रश्न करते हैं यदि जड़ बन के आओगी तो तुम्हें तो पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं रहेगी, यदि जड़ हो जाओगी स्थावर हो जाओगी, मान लो तुम्हें तो पूर्व जन्म की यदि स्मृति ना रहे तो? तब श्री राधा रानी कहती है कि कृष्ण तो अंतर्यामी है, कृष्ण तो सर्वज्ञ है ना, कृष्ण सब जानते हैं। तो कृष्ण जान लेंगे कि मैं इस जीवन में मैं वेणु बन के आई हूं, इसीलिए क्या करेंगे, मुझे अपने अधरामृत का पान करवाएंगे। इस प्रकार गोपियां अपने भावों को, इस वेणु के सौभाग्य को इस गीत में, इस श्लोक में वर्णन करती हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, कल एकादशी है, कौन सा एकादशी कल है? अपर एकादशी। कल हम लोग गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करने जाएंगे। पिछली बार हम लोग ने छोटी परिक्रमा की थी, इस बार हम लोग बड़ी परिक्रमा करेंगे। एकदम आरती समाप्त होते ही, हम लोग सवेरे मंगला आरती, इसको बाद में चल पड़ेंगे। अगर जो जाना चाहते हो हमारे हरि से प्रभु को, अभी ये कथा के बाद में हम लोग अपना नाम दे देना, उसी हिसाब से आप गाड़ी कर लेना, ठीक है? ओम ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री लो नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य हम प्रणाम करते हैं।
हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्री शंकर जी को दक्ष प्रजापति ने तरह तरह से उनको गाली निकाला, लेकिन गाली निकालने का साथ साथ श्री शुद्धा सरस्वती ने समस्त गालियों को उन्होंने स्तुति पर उन्होंने व्याख्या कर दी, क्योंकि जो शंकर जी वैष्णवा नाम यथा संभो कहते, वैष्णव में ये अर्घर करने श्री भोले बाबा जो वैष्णव है कहते हर समय कहते ना वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र जय निंदा निंदे हिंसा करी भक्ति विनोद नासम भाषे तारे थाके सदा मौन धरे। कहते जो वैष्णव का जो चरित्र है वो सब समय पवित्र है, जो दोष है वो साधारण व्यक्ति के अंदर में ये दोष हो सकता है लेकिन वो निर्गुण है वो शुद्ध सत्व है, इसलिए वैष्णव के अंदर में कोई दोष कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि पवित्र है, उनका हर क्रियाओं में कुछ ना कुछ उसमें सिख्या ही रहता है, हैं? लेकिन इसलिए कहते जय निंदे हिंसा करी, लेकिन जो लोग उनको निंदा करते हैं हिंसा करके, भक्त भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले भक्ति विनोद और नसम भाषे तारे सदा था के मौन धरी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भैया हम तो जब कोई वैष्णव निंदा करे हम मुंह कभी नहीं खोलेंगे, उस समय हम तो मौन धारण करते हुए रहेंगे। इसलिए शंकर जी पवित्र है, उनका अंदर में कोई अपगुण हो ही नहीं सकता है। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे दक्ष प्रजापति ने उन्होंने क्या क्या गाली बका है, और एक श्लोक में कहते हैं बोले तस्मात उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्दये दत्वा बतमय साधि चोदिते परमेष्टिना। इसलिए कहते हैं मैं तो अपना जो मृगनयनी बड़ी सुंदरी जो सती है मैं तो ये दुष्टों को देना चाह ही नहीं रहा था, लेकिन ये ब्रह्मा बोलने का वजह से पिता नहीं बोल कर क्या कहते हैं ये ब्रह्मा बोलने पर मैंने अपना बेटी को दिया, मतलब ब्रह्मा जी ने जो बात बताई गलत बताई, ब्रह्मा भी ठीक नहीं किए। इसलिए कहते हैं उन्माद नाथाय, ये कौन है बोले भूतों का ये पति है, एक गाली है भूतों का पति, लेकिन दूसरे तरह से सरस्वती व्याख्या करती हैं कल जो भूतों को जो कभी जीवन में कोई ग्रहण करता ही नहीं, लेकिन उनको अगर कोई जीवन में ग्रहण करने वाले कौन है शंकर जी। जगत में जिसको कोई स्वीकार नहीं करते उसको कौन स्वीकार करते हैं, धदुरे आकंद फूल कहाँ होता है जंगल में होता है, वो जहरीले हैं, उसको कोई हाथ भी छू ले ना हाथ धोना पड़ता है इतने जहरीले हैं, लेकिन अगर उसको ग्रहण किया तो किसी ने ग्रहण किया है शंकर जी ने ग्रहण किया। सर के ऊपर में चंद्रमा है, ये चंद्रमा को खैरग हो गया है, जो पहले जो खैरग हो जाता था ना, अब खैरग हिंदी में क्या बोलते हैं टीबी है ना, खै नहीं टीबी रोग है, कहती ये टीबी रोग अगर पहले जो हो जाता था उसको पास में कोई नहीं जाते थे, और टीबी रोग हो जाने पर बचता नहीं था मर जाता था, लेकिन ये चंद्रमा को जो खैरग हो गया उनने सबको पास में गए लेकिन किसी ने शरण नहीं दिया, शरण दिया तो किसने दिया शंकर जी ने दिया है। इसलिए यहाँ सरस्वती कहती हैं तस्मात उन्माद नाथाय, ये किसके नाथ है बोले भूत प्रेतों का नाथ है, बोले नष्ट शौचाय दुर्दय, ये कौन है कहते इनकी नष्ट शौच कहते उनका जो अपवित्र व्यक्ति ये कभी पवित्र नहीं रहते हैं, क्या करते हैं राख को मलते हैं, कौन सा शमशान को राख को शरीर में मलते रहते हैं, हैं? इसलिए शमशान का राख और जितने सारे अपवित्र बिच्छू सांप सबको गले में धारण हड्डी को सबके सब ये शरीर में गले में हार रूप में धारण करते हैं, तो सुधा सरस्वती कहते हैं बोले नहीं ये देखने के लिए लगता है शंकर जी जैसे अपवित्र है लेकिन नहीं उस परम पवित्र है, इसलिए शरीर में राख को कौन मलते थे हैं कहते साधु लोग पहले शरीर में राख को साधु लोग लगाते थे राख को, और ये शमशान का राख को मल करके शिक्षा क्या देते हैं बोले जिस शरीर को ब्यूटी पार्लर में लेकर के और जीव में लेकर के चवनप्राश खा करके शरीर को इतने बढ़िया दूध पी करके बना रहे हो, शरीर का परिणाम क्या है वो दो मुठी राख है जो हड्डी एक दिन ये शरीर दो टुकड़े हड्डी होने वाले
इसलिए भैया ये ज्यादा ये शरीर में लगे मत रहा करो, अगर ज्यादा लगे रहे तो किसमें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए उन्होंने शंकर जी को खूब गाली निकाली है, गाली निकालते निकालते उन्होंने शांत, तब भी वो शांत नहीं हुए, इतना गाली निकाले। फिर शंकर जी क्या कर रहे थे, वहां पर बैठे बैठ कर मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी व्यक्ति को आप गाली दो वो व्यक्ति मुस्कुरा रहे फिर क्या होगा बताओ, फिर तो राग फिर ज्यादा क्रोध आता है, बोलिए दुष्टों को हम गाली दे रहे हैं, ये निर्लज भैया देखो जैसे और बैठ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, फिर हैं मुस्कुरा रहे हैं। फिर उनको सहन नहीं हुआ, फिर उन्होंने उठाया पानी को उन्होंने उठाकर जल स्पर्श करते हुए उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले जा ये देवता को साथ में यज्ञ भाग तेरे को नहीं मिलेगा, देवता को साथ में बैठ करके तो भजन नहीं कर सकते हो, उन्होंने तो अभिशाप दे दिया। लेकिन सुधा सरस्वती क्या कहती है, बोले ये देवता लोग कौन है, बोले ताबत सब मोदंत स्वर्ग जावत पुण्यम न समापते, ये देवता कब तक स्वर्ग में रहते हैं, बोले जब तक इनकी पुण्य नष्ट नहीं हो जाता है, खिन्न पुण्यम मर्त लोकम विसरन्ति, पुण्य समाप्त होते ही फिर उनको गिरना पड़ता है। और जो देवता लोग ना बड़े स्वार्थी है, मतलब ये अपना स्वार्थी मतलब ये व्यक्ति है, ये बड़े स्वार्थी है देवता लोग है, इसलिए ताबत सब मोदंत स्वर्ग तब तक रहेंगे जब तक पुण्य खत्म नहीं हो जाएगा, इसलिए देवता लोग कोई बढ़िया लोग नहीं है। इसलिए कहते हैं जो अच्छे आदमी होते हैं ना वो अच्छे आदमी को साथ में भोजन करते हैं, और जैसे गंदे आदमी होते हैं गंदे आदमी को साथ में भोजन करते हैं। इनको अभिशाप दिया ये देवता को साथ में बैठ कर भोजन नहीं कर सकते, बोले देवता को साथ में कौन बैठता है इनको, ये बड़े स्वार्थी मतलब ये है, ये तो बैठने में ये तो बैठेंगे संतों को साथ में बैठेंगे, संतों को साथ में बैठते हैं ना, भक्तों तो भक्तों को साथ में बैठते हैं, इसलिए वो उनको साथ में इसलिए उनको साथ में बैठेंगे। सुधा सरस्वती सब कुछ उन्होंने बढ़िया सुंदर रूप में व्याख्या कर दिया है। ये सब सुन करके वहां पर नंदी बैठे हुए थे, बोले शंकर जी यहाँ हैं, शंकर जी में इतने शक्ति है ना, अगर वो तीसरे नेत्र खोल देना दुनिया को ध्वंस कर देते हैं शंकर जी। और ये शंकर जी यहाँ चुपचाप बैठे हुए और कुछ बोल नहीं रहे हैं, और इसका तो फायदा उठाते जा रहे हो और बकबक 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 करते जा रहे हो हैं। इसलिए मैं भी अभी हरि हरि हर निंदा सुनई जे काना होए पाप गो घात समाना, जो शंकर जी की और भगवान की निंदा को जो सुनते हैं होई पाप गो घात समाना, उनको पाप तो जैसे गैया को मारने पर जो पाप लगता है इनको वो पाप लगता है। ए, आया क्रोध नंदी को क्रोध आया तो उन्होंने क्या कर दिया, बोले तू ये नश्वर देह में जिस शरीर में केवल टाटी पेशाब खून पी घर में क्या है, कुछ तो है ही नहीं, सबरे उठो मुंह से भी बदबू आंखों से भी बदबू नाक से भी बदबू है और नीचे से बदबू निकलता है। आप ब्यूटी पार्लर में जाओ बढ़िया करके सद जाओ, बस 5 मिनट बाहर निकलो धूप में चले जाओ, रोम रोम से तुम्हारी बदबू निकलेगी। कहती ये शरीर है, कहती जो शरीर है हैं, कहती ये शरीर मांस पिंड शरीर में हैं, तुम्हारी ये आत्मबुद्धि है। और शंकर जी कौन है, कहती ये अप्रतिद्रोह भगवत अभिर्न तनु शंकर जी हरिहर एकात्मा, शंकर जी हरिहर एकात्मा शंकर जी हाँ, किसी को शंकर जी द्रोह करने वाले नहीं, वैष्णव है ना, किसको कभी द्रोह करने वाले नहीं। ऐसे तुम शंकर जी को तुम ऐसे ऐसे बोलते हो, जाओ मैं भी अभिशाप देता हूँ। बोले क्या अभिशाप देते हैं, कहते हैं ये कलयुग में हैं, कहते क्या करेंगे, दक्ष को अभिशाप दिया ये शरीर को, तुम आत्मबुद्धि करते हो टाटी पेशाब थलियों को आत्मबुद्धि करने वाले, इसलिए उन्होंने क्या हो जाएगा, कहते तुम्हारी अच्छी रात में तुम्हारी सर कट करके तुम्हारी सर में बकरी का सर लग जाएगा, बकरी का सर लगेगा। जब उन्होंने ये साथ बताए उसको दक्ष श्राप को अनुमोदन करते हुए, कि जो लोग ये दक्ष श्राप को अनुमोदन कर रहे थे, दक्ष अभिशाप दे रहे थे, वहाँ कौन अनुमोदन कर रहे थे, जितने कर्मकांडी ब्राह्मण लोग थे वो सब बैठ बैठ कर उसको अनुमोदन कर रहे थे, बोले बढ़िया मजा हो रहा है आनंद आ रहा है, वो आनंद आ रहे हैं, शंकर जी को निंदा हो रही ना वो आनंद आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अभिशाप दिया। क्या
बोले सर्व भक्ष्यादि जो वृतई धृत विद्या तपोव्रता बीत दही इंद्रिय रामा जाचस्चा विचरस्ति बास। उन्होंने अभिशाप दे दिया जितने ब्राह्मणों को। क्या अभिशाप दिया? बोले सर्व भक्ष्यादि जा वृतई, जब ये कलयुग आएगा ना, ये ब्राह्मण लोग भक्ष्य अभक्ष्य कोई विचार नहीं करेंगे। अभी कलकत्ता में बंगाल में इधर तो ब्राह्मण थोड़ा अच्छे हैं, तभी तो कोई गायत्री फायत्री, अभी कोई जप करना छोड़ दिया, जनेऊ पहनना छोड़ दिया। बंगाल में तो गो मांस खा लेते हैं, क्योंकि मांस खाते खाते ऐसे आदत बन जाती है। वहाँ के एक व्यक्ति बोल रहे थे, खाते खाते ऐसे आदत बन जाता है, वो मांस खाए बगैर उनको रहा नहीं जाता है। फिर क्या करते हैं, कम पैसा में कम को क्या मिलेगा, गो मांस मिलेगा, होटल में जाकर गो मांस खा लेते हैं। और उधर कोई जनेऊ फनेऊ चोटी फोटी ब्रह्म गायत्री से कोई मतलब नहीं, बल्कि देखोगे ब्राह्मण सबसे ज्यादा गिरा हुआ उनको देखोगे सारे हर चीज में। हाँ, कोई कोई ब्राह्मण हैं जो कि चोटी रखने वाले ब्राह्मण हैं, जो वेद अध्ययन करते हैं, रोज ब्रह्म गायत्री को जप करते हैं, जनेऊ पहनते हैं। हाँ, बहुत कम मिलते हैं कलयुग में अभी, क्योंकि ये पहले तो ये कौन कह रहा है ये सब बात को, नंदी कह रहे हैं ना, वो तो कभी गलत बोलेंगे नहीं। बोले इनका भक्ष्य अभक्ष्य कोई विचार इनका नहीं रहेगा, और इन्होंने किस लिए ये विद्या अध्ययन करेंगे। पहले ब्राह्मण लोग किस लिए विद्या अध्ययन करते थे, सबको पढ़ाने के लिए, विद्या दान करने के लिए। लेकिन ये लोग विद्या अध्ययन किस लिए करेंगे, बोले इसलिए करेंगे बीत दहे इंद्रिया रामा, ये रुपया पैसा वो शरीर को केवल ये शरीर को सुख देने के लिए, परमार्थ अर्जन करने के लिए विद्या को अध्ययन नहीं करेंगे। और कलयुग में जितने ब्राह्मण लोग हैं ना, सब भीख मांगा होंगे। हाँ, सब भीख मांगते हुए दर दर भटकेंगे कलयुग में। अब देखो ये सब अभिशाप है, किसी तीर्थ में जाओ तो इतने इतने उत्पात है, आपको आचमन करने नहीं देंगे मंदिर, इतनी इतनी गड़बड़ी है। इसलिए उन्होंने सबके सब उन्होंने अभिशाप दे दिया। जब इन्होंने अभिशाप उन्होंने दे दिया, लेकिन वहाँ पर शंकर जी हैं, शंकर जी वहाँ पर जब उन्होंने अभिशाप ब्राह्मण को दिया, वहाँ पर कौन बैठे हुए थे, वहाँ पर भृगु ऋषि बैठे हुए थे। जब भृगु ऋषि बैठे हुए थे, बोले क्या सारे ब्राह्मणों को भीख मंगा बना दिया तुमने, ऐसे भीख मांगते रहेंगे कलयुग में, अभी दिखाता हूँ तुमको। उन्होंने कहते भृगु ने अभिशाप सुन करके ब्रह्म दंड रूप में उनने प्रतिशाप प्रदान किया, ब्रह्म दंड जैसे होता है, उन्होंने लेकर उन्होंने अभिशाप दे दिया। किसको? जितने शंकर जी के गण थे ना, सबको अभिशाप दिया। क्या कहते हैं, बोले भव व्रता धर जेच जेतान समानुव्रता पाखंडी नस्ते भवंतु सशास्त्र परिपंथी न। कहते कलयुग में कहते जितने सब शंकर जी के भक्त होंगे, शंकर जी के व्रत को जो धारण करेंगे, उसको जो अनुगामी होंगे कलयुग में, बोले पाखंडी सबके सब पाखंड बनेंगे हैं, पाखंडी नस्तु सात शास्त्र परिपंथी न, जो तो सात शास्त्र से ये सब के सब कलयुग में विमुख रहेंगे। और क्या करेंगे, बोले नष्ट शौचा, इनके पवित्र अपवित्र नहीं रहेगा, मूढ़ धिया मूर्ख बुद्धि वाले बनेंगे हैं। और कहते जटा भस्मा सिधारिनम, जटा और शरीर में राख मलते हुए रहेंगे। बोले बिसंतु शिव दीक्षायाम जत्र दैवम सुरा सबम, इसलिए जब व्यक्ति शिव मंत्र में दीक्षा ग्रहण करेंगे, बस शराब पीते रहेंगे, गंजा भांग फूंकते रहेंगे हैं। अब जो जब जितने गंजड़ी भंगड़ी को देखो, बोले क्यों खाते हो, बोले शंकर जी भी लेते थे हैं, किसको ऊपर दोष लगा देते हैं, अपना इंद्रिय शंकर जी लेते थे, तुमने देखा शंकर जी को लेते हुए, ये खुद खाने के लिए उन्हें शंकर जी के ऊपर डाल देते हैं, थोक देते हैं शंकर जी खाते, देखा तुमने, शंकर कहाँ परम वैष्णव, हाँ वो पीते हैं कृष्ण भक्ति रस को शंकर जी पान करते हैं, कहाँ कितने बड़े वैष्णव शंकर जी, वैष्णव अग्रगण्य हनुमान कैसे हैं, कैसे शंकर जी अग्र कहते, ये इनके ऊपर तो थोक देते हैं इनके ऊपर में। इन्होंने ये सब के सब उन्होंने अभिशाप दे दिया। जब अभिशाप दे दिया, भोले बाबा वहां पर बैठे हुए थे, भोले बाबा ने इस बात को ना बैठ बैठ कर सुन रहे थे, कैसे सापा सापी हो रहे, बोले हे भगवान कहाँ स्वागत समारोह हो रहा था, यहाँ तो सापा सभी समारोह शुरू हो गया है। शंकर जी वहाँ पर बैठे हुए थे, और शंकर जी जो बैठे हुए थे ना, उन्होंने खड़े हो गए और थोड़ी सी अनमना हो गई। शंकर जी सब सुन करके
कहाँ इतना बड़ा सभा में गाली गलौज हो रही है, शंकर जी अनमना होकर चले गए। तब यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर बहुत अच्छी बात बता रहे, बोले देखो एक तरफ में नंदी ने अभिशाप दी, दूसरे तरफ में भृगु ऋषि। नंदी कौन? शंकर जी के भक्त है, इनका अभिशाप कभी वृथा जाएगा? कभी वृथा नहीं जाएगा। दूसरे तरफ में कौन अभिशाप दे रहे हैं? भृगु। कहते इनकी ये बड़े ऋषि है, कहते इनकी अभिशाप कभी वृथा होगा? कभी वृथा नहीं होगा। लेकिन यहाँ शंकर जी बैठ करके सुने कैसे थे? शंकर जी तो कुछ बोले नहीं, उनको भक्तों के ऊपर गाली हो रहे, गाली ऊपर गाली दे रहे, लेकिन शंकर चुपचाप सुने कैसे हैं? तभी विश्वनाथ चक्र ठाकुर कह रहे हैं, कहते जो सापासापी हुई वो सची होगा, ये बात सही है, ये बात गलत नहीं होगा। इसलिए शंकर जी ने फिर शंकर जी इसका मतलब जो शंकर जी को भजन करेंगे ये सबके सब नष्टाचार दुष्ट और सब धदुर खाने वाले और जो भांग पीने वाले सब होएंगे। फिर शंकर जी हाँ यहाँ पर कहते हैं शंकर जी का दो स्वरूप है, कहते इनका एक रुद्र स्वरूप है और इनका एक सदाशिव स्वरूप है। कहते जो व्यक्ति इनकी सदाशिव स्वरूप का वैष्णव स्वरूप को उपासना करेंगे, उनको उपासना कौन करते? बल वैष्णव लोग। जैसे गोपीश्वर महादेव सनातन गोस्वामी को देखो, कहीं भी रहते, वृंदावन में रहते थे, रोज गोपीश्वर का दर्शन करते थे। चकलेश्वर महादेव गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के पास में रहते थे, काम्यवन में कामेश्वर महादेव के पास में सनातन गोस्वामी रहते थे। इसलिए गोपीश्वर महादेव का मंत्र क्या है? कितना श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व क्लेशहरम देवम वृंदारण्यम रतिप्रदम वृंदावनवनिपते जय सोम सोम मौले सनातन सनंदन नारदढ गोपीश्वर व्रज विलास युगांग्री पद्मे प्रेम प्रजा च नितराम निरुपाधिका। शंकर जी से यही चीज मांगनी चाहिए, हे भोले बाबा सनक सनातन आदि आपको उपासना करने वाले हैं, आप जीव का अमंगल दूर करने वाले, इसलिए अगर आप हमारे ऊपर में कृपा करते हो राधा कृष्ण की चरण में हमें प्रेम प्रदान करो। शंकर जी कहते ना कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार तुम्हार सकतिया छे, कृष्ण वैष्णव का ही कृष्ण है, अगर वो अगर चाहे तो वो कृष्ण को हमें दे सकते हैं। इसलिए शंकर जी से हमें भक्ति मांगनी चाहिए। देखो भागवत कौन किसको सुनाया? शंकर जी पार्वती को सुनाया। रामायण किसने रचना करके रखा? स्वयं शंकर जी है। सारे पुराण कौन किसको सुना रहे हैं? शंकर जी पार्वती को सुना रहे हैं। सारे संवाद इनकी है। अष्टकाल्य लीला कौन किसको सुना रहे? नारद जी को। चतुसन का अष्टकाल्य लीला शंकर जी सुनाते हैं, हैं? इसलिए शंकर जी कब अगर कोई भी लीला ठाकुर की नहीं, ये कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति ये दे सकते हैं। इसलिए जो सदाशिव स्वरूप का वैष्णव लोग उपासना करते हैं भक्ति, लेकिन उनका जो रुद्र स्वरूप है अगर उनको जो उपासना करेगा, जैसे किसने? रावण ने शंकर जी को उपासना किया, लेकिन उसने क्या किया? सीता को ही उठा कर ले गया। क्या भस्मासुर ने शंकर जी की उपासना किया, पार्वती को हरण करने के लिए कोशिश की, हैं? हरण करने के लिए। भैया शंकर जी को पूजा करने के लिए क्या तुम्हारी दुर्बुद्धि यही फल हुई है? पार्वती को उठा करके ले जाओ और माता सीता जी को उठा कर, और लास्ट में क्या हुआ? ध्वंस सब के सब। इसलिए कहते हैं इनका जो रुद्र स्वरूप है, जो जिसको उपासना करेगा उसका कुछ ना कुछ गुण तुम्हारे अंदर में आएगा। इसलिए उनका रुद्र स्वरूप का अगर उपासना करोगे तो उसका गुण तुम्हारे अंदर में आएगा। इसलिए जितने अक्सर करके जो रुद्र स्वरूप को उपासना किया है, देखना शरीर में काम क्रोध लोभ मोह मंसार में रहना धदुरे भांग खाना गंजा फूकना, क्यों? ये सब के सब रुद्र स्वरूप को उपासना करते, इसलिए इनके अंदर में सब गुण आए है। यहाँ पर कहते लेकिन जो सदाशिव स्वरूप जो अघोरियों के लिए, सो बात बताए वैष्णव के लिए नहीं। दूसरे तरफ में क्या उन्होंने ब्राह्मण लोगों को अभिशाप दिया, बोले कौन सा ब्राह्मण? बोले कर्मकांडी ब्राह्मण, भक्त ब्राह्मण नहीं। जो भक्त है भजन करते हैं भक्ति करते हैं विष्णु को, उनके लिए ये अभिशाप नहीं है, ये ब्राह्मण उनको जो कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म को ही जीवन में जो सब कुछ मान लेते हैं, हैं? उनके लिए, लेकिन भक्त ब्राह्मण के लिए नहीं। इसलिए ये दोनों अभिशाप लागू रहेगा, लेकिन उसको बाद में कैसे शंकर जी जब चले गए उसको बाद में फिर क्या हुआ? दक्ष प्रजापति तभी शांत नहीं हुआ, हैं? उनका अंदर में आग जल रहा है,
ये शंकर जी को कैसे अपमान करे, इसलिए फिर कनकल में फिर क्या कर दिया, यज्ञ फिर प्रारंभ कर दिया। बोले क्यों, कौन सा यज्ञ? बोले शिव विहीन यज्ञ। सबको तो उन्होंने निमंत्रण दिया, लेकिन इस शिव जी को, शिव मतलब क्या है, मंगलमय, शिव मतलब मंगलमय, लेकिन उन्होंने शिव विहीन यज्ञ प्रारंभ किया, सारा दुनिया को निमंत्रण, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं। इसलिए उसको बाद में कैसे सबके सब गए, फिर क्या हुआ है, फिर उसको हम बाद में सुनेंगे, उसका फल क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ। हाँ, जो लोग गोवर्धन जाएंगे सब बोल देना, हमारे हरीश प्रभु को बोल देना, फिर हमको पता चलेगा कितना भक्त लोग जाएंगे, उसी हिसाब से वो गाड़ी कर लेंगे। ठीक है, वंशा कल्प दुर्भ्य कृपा सिंधु पिता नाम पावन भो वैष्णव भो नम नम।